हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में थोड़ा भूचाल मचने वाला है, क्योंकि आज हम रिव्यू नहीं एनिमे डिस्कशन करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एनिमे रिव्यू था डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड का, जिसने हमारे दिल गुर्दे हार्ट सब हिला के रख दिए थे, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे हमारी लिस्ट में। तो आज हम उसके एंडिंग डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट एपिसोड की। हाईलाइट में बता रहा हूँ एनिमे का लास्ट एंडिंग, क्योंकि एनिमे का एंड मांगा का एंडिंग जो है वो थोड़ा अलग है। एंड एनिमे एंडिंग के साथ मांगा की एंडिंग भी मैं बताऊंगा सीजन वन की। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी इस एनिमे का इन्फो देने में अपना टाइम नहीं गंवाने वाला, क्योंकि ऑलरेडी 3 वीडियोस में मैं इस एनिमे के बारे में बता चुका हूँ। जैसे कि एनिमे में स्पाइस डालना राइटर का काम होता है, उसी तरह मेन कैरेक्टर पर 2-3 जन का क्रश होना भी जायज होता है। यह अभी मुद्दे से भटकने वाली बात है, बट सच भी है। नाचो और हिना एज अ कपल खुश होते हैं, लाइक किसिंग, हग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा सीन आगे निकल जाता है। बट ये सभी सीन उनके स्कूल ट्रिप पर होता है, तब लाजमी है राइटर जी की मेहरबानी से कैमरामैन एमसी बहुत बड़ा निकला। एंड लाइक वाली फोटो वो हिना एंड नासो की निकाल लेता है, साथ में वो फोटो प्रिंसिपल तक जाती है, उन दोनों का रिलेशन सामने आ जाता है। बट हिना ये नहीं चाहती कि उसकी वजह से नासो का जो फ्यूचर है वो खराब हो जाए, इसकी वजह से वो सभी अपने ऊपर ले लेते हैं एंड उसे बिना बताए अपना ट्रांसफर कहीं और कर लेती है। नाचो के लिए बहुत शॉकिंग होता है, फर्स्ट में उसे कुछ भी पता नहीं चलता क्या चल रहा है। जब वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके अपार्टमेंट में जाता है एंड हिना का वो लेटर पढ़ता है, तब उसे होल स्टोरी समझ में आती है। नाचो हिना को छोड़कर चली जाती है, बहुतों के दिल यहाँ पर टूटे, स्पेशली हिना फैंस के। नाचो डिप्रेशन में होता है हिना के जाने के वजह से, बट उसके फ्रेंड एंड फैमिली उसे सपोर्ट करते हैं। वो अपनी नॉवेल भी कंप्लीट करता है उसी गम में एंड मूव ऑन होने की कोशिश करता है, बट हिना से नहीं। बट एंडिंग में हिना फिर से देखते हैं, बट वो हिना नहीं, रुई निकलती है। एंड ये सबसे बड़ा धोखा था हिना फैंस के लिए। हिना, हिना! भाई मारो, मुझे मारो, मारो, मुझे मारो, मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी हम यहाँ। एंड उनका दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रुई कहती है मैं हिना की वजह से अब खुद को नहीं रोकने वाली एंड नाचो को किस भी करती है। यही पर तो एनिमे का एंड दिखाया गया है। अब अगर हम मांगा एंडिंग देखे तो बहुत से सीन उसमें एड नहीं किए गए है एनिमे में, लाइक उनका जो रिलेशन जब सबके सामने आता है, नाचो एंड हिना लास्ट टाइम डेट पर जाते हैं, जहाँ हिना उसे गुड बाय कहती है हमेशा के लिए, ये सीन भी नहीं। एंड रुई जो है अपने कुछ पेतरे लगा कर हिना कहाँ ट्रांसफर हुई है ये भी पता लगाती है। एनिमे में नहीं दिखाया गया बट मांगा में है, प्लेस का नाम नहीं बताया गया, बट नाचो को पता होने के बाद भी वो वहाँ नहीं जाता, क्योंकि अगर वो वहाँ चला गया तो फिर हिना ने जो उसके लिए सैक्रिफाइस किया है वो उसका कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा, ऐसा नाचो को लगता है, इसकी वजह से वो नहीं जाता। अब इसे हम क्या कहें, रुई के चांसेस बढ़ गए या हिना का प्यार कम हो गया, या फिर नाचो हिना को कभी छोड़ने ही नहीं वाला, अब क्या होगा, या आगे बहुत कुछ है। सीजन 2 की याद में हम उसकी गलियां देखते देखते कब हम मांगा की राह में घुस गए हमें पता भी नहीं चला। बट जो स्टोरी एनिमे में एंड हुई वो अभी भी मांगा में स्टिल कंटिन्यू, रुई की जो स्टोरी है यहाँ अभी भी चली रही है, उसके साथ नाचो की कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंस रुई फैन के लिए बहुत अच्छे खुशी के पल अब मांगा में दिखाए गए। लास्ट में जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस एनिमे की पूरी मांगा स्टोरी आ चुकी है। एनिमे का कुछ पता नहीं पर मांगा में हिना एंड रुई फैंस के जबरदस्त एल लगे पड़े हैं, टेबल टेनिस की तरह गेम इधर से उधर उधर से इधर चल रहा है। कुछ लोगों के लिए एंडिंग सेटिस्फाइंग थी, तो कुछ लोगों ने टीवी, मोबाइल, दिमाग, बहुतों ने तो अपने दिल तोड़ लिए है। बस इतना ही कहूँगा, अगर आपको इस मांगा का रिव्यू चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, न्यू भाईजान आप सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ अगली कुछ न्यू वीडियो में, बाय।